हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि गुड इवनिंग मैंने इसे इसलिए बोला है कि रात के 8 बज गए हैं, तो आप गुड नाइट भी बोल सकती हो और गुड इवनिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग मैंने रात के 8 बजे से स्टार्ट किया है। तो एक बार मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि आपको लगे कि नहीं भाई झूठ बोल रही है, तो मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो ये रात के 8 बज रहे हैं, तो मैंने रात के 8 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो वैसे तो मैंने पूरा दिन हो गया है, कुछ भी नहीं बनाया आज ब्लॉग में, बस ऐसे ही काम में बिजी थी तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिला था मेरे को ब्लॉग बनाने का। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है रात को 8 बजे से। तो अचानक से क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अचानक ही बना है एकदम से प्रोग्राम रात के 8 बजे, और सब ने खाना पीना सब खा चुके हैं। तो फिलहाल तो पूछते हैं कि कौन कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो अचानक से बनाने का सूझा है, कुछ कुछ आधे की आज तबीयत भी खराब है, क्योंकि उसको आज पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। कभी पेट में दर्द बता रहा है, कभी फीवर हो रहा है। मैंने उसको सुबह दवाई भी दी थी, तो उसी में कुछ उसमें बिजी थे और कुछ घर के कामों में बिजी थी, तो ऐसे ही बिजी चल रहे थे। तो फिलहाल रात को 8 बजे पूछते हैं, ताकि सबने खाना खा चुके हैं। मैंने भी अभी खा के वैसे खाना, और सभी लोग मम्मी खा रही हैं। सॉरी। तो चलते हैं अंदर और पूछते हैं कौन कौन खाएगा। हाँ दी, तेरे को तो चाहिए, तुझे तो चाहिए ही चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों तुम नहीं खाओगे? नहीं, क्यों बस ये नहीं खाएंगे? इन्होंने तो मना कर दिया है। आदि को तो चाहिए क्या? क्योंकि आदि की तो फरमाइश है ही, तो उसके लिए बनाना है। अब क्या बनाएंगे देखते हैं भाई। और तो चलो भाई किचन में खा लो, क्योंकि किचन में आ चुकी हूँ मैं। और मेरे भी बर्तन हैं, तो बर्तनों को तो बाद में देखती हूँ। तो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? तो आदि को क्या चाहिए, तो वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो आदि को चाहिए रात के 8 बजे हलवा, तो उसके लिए हलवा बनाना है रात को 8 बजे। तो अब खाना सब खा चुके हैं, तो कौन खा रहा है हलवा इस टाइम? तो फिलहाल तो उसके लिए चलो, जब मांगा है तो मैं रात के 8 बजे उसके लिए हलवा बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी गैस की तरफ। वैसे मेरा काम गैस में मतलब किचन में फैला हुआ है, बर्तन का खाना पीना हो चुका है सबका। तो चलो भाई फ्रेंड्स बनाते हैं सूजी का हलवा। से सूजी का से पता नहीं है कि कौन से हलवे को क्या बोला, बस उसने बोला है कि ब्लैक वाला हलवा चाहिए। तो ब्लैक वाला हलवा, वो काफी देर से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक वाला हलवा कौन सा होता है। तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये सूजी वाले हलवे को ब्लैक हलवा बोल रहा है। तो ये मेरे बाल है ना, निकल रहे हैं। आज मैंने ठंडा सूट पहन लिया है, गर्म पहन रही थी वैसे। अब 2 दिन से मुझे लगा है कि कुछ गर्मी है, तो मैंने ठंडा सूट पहनना स्टार्ट किया है। वैसे नीचे इनर डाला हुआ है। तो चले फ्रेंड्स गैस की तरफ निकल लेते हैं, कढ़ाई ले लेती हूँ अपनी। और तो खैर मैंने भी खाना खा लिया यार, मैं भी नहीं खा रही, पेट भरा हुआ है। वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा बना लूंगी, सुबह काम लग जाएगा। फिलहाल मैंने कढ़ाई ले ली है अपनी, तो चलते हैं भाई। तो रोटी तो मेरी बन चुकी है, दाल को करते हैं स्टार्ट। और एक कटोरी सूजी ले लूंगी, वैसे साफ है ये, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको छान के ही रखा हुआ है। और फिर भी मैं देख रही थी कुछ ऐसा हो तो नहीं गया है इसमें। तो भाई मैं एक कटोरी ये ले लेती हूँ, भाई काफी सारे बन जाएगा इसको, इससे तो खाया भी नहीं जाएगा, बचे नहीं इससे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये सूजी ले ली है,
चमचा रह गया, चमचा तो वो बताते हैं इसके लिए। और हुआ रात को भाई अचानक कैसे से लगा कि भाई मुझे हलवा चाहिए, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा भाई चलो जब मांग रहे बंदे ने, उसने खाना नहीं खाया है तो इसीलिए मैंने उसके लिए हलवा बना दिया है। मैंने चलो भाई बना देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे ने मांगा है तो दे देते हैं। और लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट की वजह से मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। पता नहीं यार ये कौन सी परेशानी है, लाइट है तो नेटवर्क है और नहीं है लाइट तो नेटवर्क ही नहीं है। तो फ्रेंड्स कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो पूरा दिन नेटवर्क नहीं आता है। तो प्लीज वीडियो पर आप ये नहीं समझें कि ये नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो फ्रेंड्स आप लोग आए वीडियो पे, क्योंकि मेरा तो कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ तो सिर्फ लाइट की वजह से नहीं आ पाती हूँ मैं। वैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स बने हुए हैं, काफी हैं जो काफी अच्छा सपोर्ट करते, सभी लोग करते हैं सपोर्ट मेरे को, सभी करते हैं। आपका बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है मेरे को एकदम से, एक मेरा हौसला बढ़ता है तो लगता है कि हाँ भाई मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। तो फ्रेंड्स चलो हलवा बना लेते हैं फिलहाल। इसमें मुझे डालना है घी, घी का बना दूंगी। एक गैस पे मैंने पानी रख दिया है अपना और उसमें चीनी डाले, तो उसमें उबालने के लिए मैंने पहले रख दिया, तो उसमें 5 मिनट में मेरा हलवा वगैरह सारी चीज़ें मतलब ये बनी है तैयार। और साथ के साथ मैंने जैसे ही सूजी भून रही थी तो वैसे ही वैसे मैंने जैसे थोड़ी स्लो गैस करके तो साथ के साथ अपने और भी काम निपटा दिए, जैसे कि जो सब्जी का कुकर था या और भी जो भी सामान था उनको, सभी सामानों को अपनी जगह जगह पर सबको सेट किया है। तो यहाँ पर मैंने ये बादाम ले लिए हैं क्योंकि जैसे आदि को थोड़ी सर्दी सी भी महसूस हो रही है, क्योंकि उसका एक टाइम होता है कि जैसे होली दीपावली ये मौसम जैसे चेंज होगा वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने बादाम ले लिए हैं, 5-6 बादाम ले लिए थे, तो उनको मैं इसमें मामदस्ते में कूट के तो हलवे में डाल दूँगी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ड्राई फ्रूट डाल के। ऐसे और कोई ड्राई फ्रूट तो नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, मेरे पास बादाम थे तो मैंने सोचा भाई चलो यही डाल देती हूँ, मौसम भी थोड़ा उसके लिए तो है, खैर हमारे लिए तो नहीं है पर उसके लिए थोड़ा मौसम अभी ठंडा है हमारा, तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन उसको जैसे ही मौसम चेंज होता है उसको सहन नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। तो मैंने अपने बादामों को कूट लिया है तो फ़िलहाल उसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सूजी भी भुन चुकी है, उधर मैं एक साइड पे गैस पे मैंने जो पानी रखा हुआ था वो वाला पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो एक गैस पे मैंने जो पानी रख दिया था वो उबल चुका था, बिल्कुल उबाल दिया था, उसमें बॉईल हो चुका था। तो
इसमें मैंने एक कटोरी पानी जो चढ़ाया था, एक डेढ़ डेढ़ दो कटोरी पानी चढ़ाया था, तो वो उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, और एक डेढ़ कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली, तो साथ के साथ मैं बादाम भी डाल दूंगी। तो ऐसे यहाँ पे ना मैंने ये बादाम जो कूटे हैं ये देखिए, तो बादाम को ले लिया है, 6-7 जो बादाम थे जिनको मैंने इसमें इमाम रसोई में कूट लिया है, तो ये डाल दूंगी इसमें। हलवा बन के हो गया है तैयार। तो इसमें मैंने जो पानी को ना पहले ही उबाल लिया था, तो इससे मेरे को जरा लगा बस 5 मिनट या 10 मिनट सारी लगी है इसमें हलवा को बनाने में, 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट में मैंने ये हलवा बना दिया है। लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल लिया है, तो पहले तो उनका भोग लगा के आते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो पहले मैंने अपने कान्हा जी का निकाला है, तो उनके लिए जा रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए, उसके बाद सबका भोग लगता रहेगा। सबका वैसे अब कोई नहीं खाएगा, बस आदि है, और ज्यादा जहां तक मैं सोचूंगी कि थोड़ा सा टेस्ट कर लो तो थोड़ा सा मैं ही खा सकती हूँ, और तो कोई खाने वाला नहीं है, और वैसे इन्होंने मना कर दिया है, और पूछ लूंगी एक बार अगर लेंगे तो, वरना कोई बात ही नहीं है, फिर तो आदि के लिए है ही। तो चलते हैं फिलहाल फ्रेंड्स, तो भोग लगाने के लिए भगवान। तो चलो भाई कन्हैया के लिए भोग लगाने, तो मैं जा रही हूँ कन्हैया को भोग लगाने के लिए। तो भोग लगाने के बाद फिर मैं सबको दे दूँगी, तो फिर उस कन्हैया जी को मैंने भोग लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल को, और भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आधी का हलवा डाल लिया है। तो पहले तो आधी को ही दूँगी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा पहले उसी को था कि मेरे को हलवा चाहिए, मेरे के लिए हलवा बनाओ, तो मैंने उसके लिए हलवा बनाया था, तो मैं उसको देने जा रही हूँ। तो हलवा काफी अच्छा बन रहा था, एकदम देखने में भी काफी टेस्टी बना हुआ है। तो मैंने हलवा तो डाल लिया प्लेट में, तो फिलहाल चलते हैं आवे को देने के लिए। ले हलवा खाएगा, हलवा तुम भी लोगे, तुम भी टेस्ट करोगे। अच्छा अभी तो मना कर रहे थे, और चाहिए आवे, जरा टेस्ट करके बता कैसा लगा, कैसा बन रहा है, मीठा मीठा भी है या नहीं, अभी मैंने टेस्ट नहीं करा। आगे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आ गए, बढ़िया बन रहा है, मीठा भी सही है। चलो भाई ले आओ अपने, चलो भाई इन्हें भी चाहिए थोड़ा सा तो टेस्ट करने के लिए तो चाहिए ही ना। तो मेरा तो काम पड़ा है अभी बहुत सारा, पूरा किचन कर रहा है, तो अभी फिलहाल तो मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है रात की, और ये नारियल आज तोड़ा था तो उसमें से निकला है कच्चा नारियल। देखो टमाटर कितने बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े टमाटर खेतों पे लगे हुए थे, तो ये तोड़ के लेके आ गए हैं वहां से, वहां पे लग रहे होंगे मुझे पता नहीं है, वैसे मैंने एक बार आपको दिखाया था ना छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वो थोड़ी सी बहुत खराब हो गई है, तो ये छोटे छोटे छोटू बोटू से आए हैं उस पर। चलो अब जैसे भी आए हैं क्या कर सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल तो इनको भी देना है थोड़ा सा, तो इनके दे देते हैं इनको, चलो सा इनको भी देके आती हूँ। अरे तो कह रहा है अच्छा बन रहा है, और ये देखते हैं सबसे ज्यादा नाम रखते हैं किसी चीज को बनाने में। चलो तो यहाँ पे मैं इनका हलवा दे के आ चुकी हूँ, तो इनको भी दे दिया है मैंने, और आधी को भी दे दिया है, तो इन लोगों को मैंने दे दिया है। तो उसके बाद मेरा जो किचन का पूरा काम फैला हुआ, तो मैंने सोचा भाई मैं बाद में अपना मतलब खाऊंगी, पहले
पहले मैं अपना काम अपना किचन का फिनिश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी किचन का सामान मेरा फैला हुआ था, पूरा किचन फैला हुआ था। तो फिलहाल तो मैंने गैस चूल्हा अपना जो भी स्लेब थी इनको सबको साफ़ कर दिया है, उनको क्लीन कर दिया है, गैस को भी साफ़ कर दिया है अपनी। तो अभी मेरे बर्तन रह रहे हैं, तो उसके बाद मैं अपने बर्तनों को करूँगी। और जो भी मेरे बर्तन रहे थे, जैसे आदि का दूध था और दूध जमाना था, तो काफ़ी सारे काम थे तो वो मेरे को करने थे। तो यहाँ पे आधी का ये दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा भाई चलो जो बच रहा है तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने ये फ्रिज में रख दिया। तो उसके बाद मेरे टोटल काम ख़त्म हो चुके हैं, सारे फिनिश हो चुके हैं। तो मैं भी अपना हलवा ले लिया है, थोड़ा सा ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, एक उसमें प्लेट में छोटी सी प्लेट में ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे हलवे को खाया तो काफ़ी अच्छा बन रहा था, काफ़ी टेस्टी बन रहा हुआ था एकदम। तो वाकई में ही अच्छा बना था और एकदम ये जल्दी में ही बनाया था, उसे ज़्यादा मतलब इसमें टाइम भी नहीं लगा, तो जल्दी में तो थोड़ा था तो इसलिए जल्दी बन गया था और अच्छा भी बना था। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।